हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? फाइन। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन सीख रहे हैं। और व्यंजन में पिछली क्लास में हमने कौन सा लेटर सीखा था, कौन बताएगा? हमने पिछली क्लास में कौन सा लेटर सीखा था? त, यानी कि त वर्ण की लाइन सीख रहे हैं। तो त के बाद जो नेक्स्ट लेटर आता है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। त के बाद जो लेटर आता है उसको क्या पढ़ेंगे? थ। क्या पढ़ेंगे? थ। थ से बनने वाले पिक्चर्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। तो एक तो है थर्मोमीटर और दूसरा है थैला। तो थ से थर्मामीटर, थ से थर्मोमीटर, थ से थैला, थ से थैला। यहाँ पे फर्स्ट लेटर कौन सा है? थ। और यहाँ पे भी थ, उसको क्या किया मैंने? ऐ की मात्रा लगाई है, लेकिन फर्स्ट लेटर कौन सा है? थ। थ से थैला, थ से थर्मामीटर। तो फिर एक बार पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इस लेटर को? थ। थ से थर्मामीटर, थ से थर्मामीटर, थ से थैला, थ से थैला, थ से थर्मस, थ से थाली। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अपनी वर्कबुक में लिखना शुरू करेंगे, है ना? तो वर्कबुक निकाल लेंगे और फिर उसमें पेज नंबर 4141 ओपन करेंगे। कौन सा पेज ओपन करना है? 4141। 4141 ओपन किया तो देखा आपने क्या लिखा है? जो लेटर हमने बोर्ड पे सीखा वही लेटर यहाँ पे लिखा है। इसको क्या पढ़ेंगे हम? था। थ से थर्मस, थ से थर्मस, फिर एक बार थ से थर्मस। सामने वाले पेज पे थ से थाली, थ से थाली। तो हमें क्या करना है, पहले वर्कबुक में लिखना सीखना है और उसके बाद हम नोटबुक में उसकी प्रैक्टिस करेंगे। पर हर बार की तरह लाइन बना लेनी है। हर बार की तरह लाइन बना लेनी है और फिर जो ट्रेस करना है डॉट वाले लेटर को, और फिर खाली स्पेस में हम लेटर लिखते जाएंगे तो हमें अच्छे से लिखना आ जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वर्कबुक में कैसे लिखना है वो सीखेंगे। तो शुरू करते हैं थ से थर्मस। हमारी वर्कबुक में 5 लाइन बनी है जिसमें हमें 3 ब्लू लाइन में लिखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ब्लू लाइन से एक कर्व बनाया, सेकंड लाइन तक वहां से उल्टा कर्व बनाया। उल्टा कर्व कैसे बनाया मैंने, आपने देखा, नीचे फिर पीछे एक्सटेंडिंग लाइन, जहां से कर्व बनाया था उधर सर्कल, ऊपर स्लीपिंग लाइन, बन गया थ। थ से थर्मोमीटर, फिर से एक बार एक कर्व, फिर उधर मिडल लाइन पे उल्टा कर्व, पीछे स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लिपिंग लाइन, आगे सर्कल, तो बन गया थ। थ से थर्मामीटर, फिर एक बार एक कर्व, फिर मिडल लाइन पे उल्टा कर्व, फिर स्टैंडिंग लाइन, आगे सर्कल, ऊपर स्लीपिंग लाइन, बन गया थ। थ से थैला, फिर एक बार कर्व, उल्टा कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, आगे छोटा वाला सर्कल, तो बन गया थ। थ से थैला, फिर एक बार कैसे करना है? कर्व,
फिर उल्टा करो, स्टैंडिंग ऊपर स्लीपिंग और आगे ऊपर की तरफ छोटा वाला सर्कल, तो बन गया थ, थ से थाली। फिर एक बार देखो क, फिर उल्टा क, स्टैंडिंग लाइन ऊपर स्लीपिंग आगे छोटा वाला सर्कल, तो बन गया थ, थ से थैला, थ से थर्मोमीटर, थ से थर्मस, थ से थाली। तो आपको पहले डॉट वाले लेटर्स लिख लेने हैं, उसके बाद ट्रेस करके लिख लोगे और फिर जो खाली स्पेस है उसमें तीन ब्लू लाइन में लिखेंगे और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर ये हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है, अपनी हिंदी की डबल लाइन वाली नोटबुक में लिखना है ना, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो एक बार फिर पढ़ेंगे थ, क्या पढ़ेंगे इस लेटर को, थ, थ से थर्मामीटर, थ से थैला। तो इसके बाद अभी हम लोग अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम लोगों ने अपनी हिंदी की डबल लाइन वाली नोटबुक में ऐसे लाइन बना लेनी है हर बार की तरह, और कैसे लिखना है ध्यान बोर्ड पे। तो शुरू करते हैं, पहले एक कर्व बनाएंगे, फिर उल्टा कर्व स्लीपिंग में कर्व बनाना है, फिर स्टैंडिंग ऊपर की लाइन पे स्लीपिंग और ऊपर जो आगे कर्व बनाया था उस पे सर्कल, तो बन गया थ, थ से थर्मामीटर। फिर एक बार देखो एक कर्व, उल्टा कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, आगे छोटा वाला सर्कल, तो बन गया थ, थ से थर्मामीटर। फिर एक बार कर्व, कर्व, फिर उल्टा कर्व, फिर स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग और फिर आगे छोटा वाला सर्कल, तो बन गया थ, थ से थर्मामीटर। ऐसे ही पूरा लाइन फिनिश कर लेना है, पूरे पेज में हमें यही लेटर लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो फिर से देखते हैं, एक कर्व, फिर उल्टा कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व, हो गया थ, थ से थैला। फिर एक बार कर्व, उल्टा कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, छोटा सा सर्कल बना दिया, बन गया थ, थ से थैला। क्या पढ़ेंगे, थ से थैला। फिर एक बार देखो कर्व बनाना है, कर्व बनाया, फिर पीछे की तरफ उल्टा कर्व यानी कि स्लीपिंग में कर्व, स्टैंडिंग ऊपर स्लीपिंग और जो कर्व आगे बनाया था उस पे सर्कल, तो बन गया थ, थ से थैला। फिर एक बार कर्व बनाया, उधर से स्लीपिंग में कर्व बनाया, पीछे स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, ऊपर सर्कल, तो बन गया थ, थ से थर्मस। क्या पढ़ेंगे, थ से थर्मस। फिर एक बार कर्व, उल्टा कर्व, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, सर्कल, बन गया थ। फिर से कर्व, उल्टा कर्व, स्टैंडिंग, ऊपर स्लीपिंग और आगे छोटा सा सर्कल, तो बन गया थ, थ से थर्मस। तो ऐसे ही बोल बोल के पूरे पेज में लिख लेना है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि हमें लेटर पहचानने में आ जाए। तो क्या पढ़ेंगे इस लेटर को, थ, थ से थर्मामीटर, थ थैला, थ से थैला, थ से थर्मस।
से थाली। तो समझ आ गया आज का लेटर कौन सा है, थ। इसको अच्छे से आप लोगों को लिख के प्रैक्टिस कर लेनी है।